दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज के मरीज इंसुलिन इंजेक्शन जब वायल्स लेते हैं और सिरिंग के थ्रू लेते हैं तो कैसे लेना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो अभी भी इंडिया में करीब 70% लोग जो इंजेक्शन सिरिंज और वायल्स लेते हैं, तो इसके कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि कैसे इसको मिक्स करना है, कैसे लगाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले इंसुलिन रखना कहाँ, स्टोर कहाँ करना है, तो आप सब जान लें कि ये इंसुलिन जो है अगर फ्रिज के अंदर जहाँ पानी बोतल रखते हैं, जहाँ अंडे रखते हैं, यानी बाहर के दरवाजे में रखेंगे तो 2 साल तक ख़राब नहीं होता है। अगर आप ऐसे जगह रहते जहाँ कि फ्रिज नहीं है, अगर मान लो आप गाँव गए जहाँ लाइट नहीं रहती, फ्रिज नहीं है, तो आप इस इंसुलिन को एक क्या नाम कि पानी में इस किसी डिब्बे में बंद कर पानी में डाल दीजिए, तो उसमें भी अगर टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री है तो 2 महीने तक ख़राब नहीं होता है। और इसे आप लेके कैरी कर रहे हैं, अपने आप पर्स डाल लेंगे, आप पर्स लेके घूम रहे हैं या जेब लेके घूम रहे हैं बिना बर्फ के भी, तो ये कम से कम 1 महीने ख़राब नहीं होता है। अगर ठंड का महीना है, फ्रॉम नवंबर से लेकर के आपको मार्च तक जब कमरे में टेम्परेचर 25 से कम होता है तो 2 महीने तक ख़राब नहीं होता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है, हमारी जो अप्रैल मई जून जुलाई, उस समय इसको पानी में, मान लो फ्रिज नहीं है तो एक भवन में या किसी पानी रख के एक स्टील का एल्युमिनियम डिब्बे में रखेंगे तो ठंडा रहेगा, तो 2 महीने ख़राब नहीं होता है। तो आराम से जिसको जेब में कैरी कर सकते, बैग कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए कहीं जाना इसमें ले आ सकते। तो पहला स्टोर हो गया, स्टोरेज। सेकेंड, इसको भरना कैसे, तो जब भी भरना, मान लो सपोज किसको 20 यूनिट लगाना, सुबह 20 शाम लगाना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा इंसुलिन का, इसको इंसुलिन जो होता है इसमें 2 पार्ट होता है। देखो, एक तो अगर आप जब भी इंसुलिन को उठाते हो देखोगे कि सुबह इंसुलिन नीचे इंसुलिन जम जाता है, और आप उठाओगे तो सुबह देखोगे नीचे इंसुलिन जम जाता है, ऊपर पानी रहता है, तो जो नीचे वाइट जमता है वो इंसुलिन है, ऊपर पानी होता है। तो सबसे पहले इंसुलिन को मिक्स करना पड़ता है। मिक्सिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कम से कम 20 बार सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा 20 बार, तो 20 बार इसको लेटा करके, ऐसे लेटा करके, इसको ऐसे लेटा करके आपको इसको ऐसे करना है इसको। इसके बाद फिर चेक करना है कि पूरा ये मिक्स हो गया नहीं हो गया। कितने लोग क्या होते हैं, बिना ढंग से मिक्स के लगाते, बिना मिक्स के लगा देते हैं, और प्रॉपर मिक्स नहीं करेंगे तो कभी क्या होगा, कभी खाली इंसुलिन लगेगा, इंसुलिन ज़्यादा लग जाएगा, शुगर लो हो जाएगा, कभी खाली पानी लग जाएगा। मैं बोला कि देखो, जब रखा रहता है तो नीचे इंसुलिन जम जाता है, ऊपर पानी आ जाता है, तो अगर ढंग से मिक्स नहीं करोगे तो कभी इंसुलिन ज़्यादा लगे, कभी कम लगे, तो शुगर फ्लक्चुएट करेगा। तो सबसे पहला स्टेप जानो मिक्सिंग स्टेप। सेकेंड, भरने का तरीका, सपोज किसी 20 यूनिट भरना है, मान लो इसको इंसुलिन आना 20 यूनिट, तो आप ये इंसुलिन देखो है, आप इस इंसुलिन सिरिंज से पहले मान लो 20 यूनिट भरना आपको, तो सबसे पहले इंसुलिन 20 यूनिट हवा भरिए, इसके बाद किसी साफ रुमाल से इसको सफाई कर, इसके कैप को साफ करिए, या तो आप साफ स्प्रिट स्विच साफ कर लीजिए, नहीं तो क्या सीधे अपना साफ रुमाल लीजिए या कोई साफ कपड़ा लीजिए, पानी भिगो के इसको साफ कर लीजिए, रुई से कर लीजिए, उसे कर सकते हैं, साफ किया आपने। इसके बाद आपने क्या करेंगे, जितना इंसुलिन भरना है उतना पहले से हवा भरी इसमें, देखिए उतना आपने हवा इसमें ऐसा हवा भर दिया इतना, जब उसे हवा भर देंगे तो इंसुलिन खींचना थोड़ा सा आसान, फिर धीरे धीरे खींचिए, ऐसा कर इंसुलिन खींच लिया, धीरे खींच लिया आपने, ये आ रहा ना, आ रहा दिख रहा है इसमें, देखो आप देख रहे हैं, अब इंसुलिन को मैंने मान लगाना मुझे 20 है, बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खींचूंगा, मैं खींचूंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, खींच के देखो कि पानी तो नहीं, हवा तो नहीं आ रहा इसमें। इसके बाद हम इसको करीब 21 मिनट बाहर निकाल लिया मैंने, इसको चेक कर लेंगे कि ऊपर की हवा तो नहीं आ रहा है, हवा ऐसे करके, और थोड़ा सा 1 यूनिट जो है
देखो अभी 21 यूनिट है, 21 भरा हुआ है, ठीक है, हल्का सा इंसुलिन मैंने हल्का इसको गिरा दिया, तो ये ब्लैक पार्ट है, ब्लैक जो है ना ये 21 दिखना चाहिए, देखो ये 21 आना चाहिए, अब 21 यूनिट हो गया, फिर वो ढक्कन इसको ढक्कन में बंद कर दिया, जो ढक्कन ढक्कन बंद कर दिया। अब एक चीज बताऊंगा, एक सिरिंज कितने दिन लगेगा, तो जान ले नॉर्मली तो ये सिरिंज डिस्पोजेबल होता है, एक बार लगा के फेंकने के लिए होता है, बट चूंकि ये इंसुलिन सिरिंज एक ही आदमी बार बार लग रहा, तो एक सिरिंज आराम से 7 इंजेक्शन लगा सकते हो, और पैसे की दिक्कत है, अगर इंजेक्शन अब दर्द नहीं हो रहा तो आप 15 इंजेक्शन लगा सकते हो, क्योंकि क्या होता है जब पहले बार इंजेक्शन लगा तो इसका टिप बहुत साफ होता है, दर्द कम करता है, जब बार बार इंजेक्शन लगा तो टिप क्या होता है थोड़ा हल्का सा रफ हो जाता है, तो इंजेक्ट करने में दर्द होता है, फिर भी आप आराम से 7 बार इसको सिरिंज का यूज कर सकते हैं। तो आपने इंसुलिन भर लिया, इसको जहाँ में इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन कहाँ लगाना आपको, पेट पर लगा सकते हैं, नाभि चार तरफ चार उंगल छोड़ करके कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ कहीं लगा सकते हैं जहाँ तक हाथ पहुँचे, और पैर पर कहीं भी, और फैट पर कहीं लगाते हैं, यहाँ कहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये कहीं भी लगा सकते हैं, ये कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन जब भी लगा तरीका सीखो, लगाने के लिए क्या करना होगा, जहाँ भी लगाना है इसको आप स्किन को ऐसे उठा लो, जी बोलो मत ऐसे उठा के, और जहाँ भी इंजेक्शन लगाओगे एक या अंगूठे एक लाइन खींचो, देखो लाइन खींचो, अंगूठे बाहर खींचना है, कभी यहाँ लगाना है, कभी यहाँ लगाना है, कभी यहाँ लगाना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो इस जो सिरिंज को जो निडल है ये आपको ये स्किन के अंदर जाना चाहिए, मसल ऊपर आना चाहिए, तो हमेशा उठा के ऐसे लगाना है, कोई अगर बहुत पतला है, मान लो कोई पतले लोगों के अंदर क्या उनके तो फैट बहुत कम होता है, तो बड़ा फूल उठाना है ऐसे लगाना है, और जगह चेंज करो, यहाँ कभी यहाँ, क्योंकि अगर एक ही जगह बार बार लगाओगे तो इंसुलिन का असर घट जाता है, वहाँ पर इंसुलिन काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की जो बार बार प्रिक करने से वहाँ की जो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती हैं, तो एक जगह पर 7 दिन पहले नंबर कभी नंबर आज यहाँ लगा कल यहाँ ऐसे करके एक जगह पर 7 दिन पहले नंबर नहीं आना चाहिए, अगर इंसुलिन 2 बार लगा रहे हो तो सुबह पेट पर लगाओ, शाम को पैर पर लगाओ, या मान लो पैर में फैट कम है आपके अंदर तो एक बार राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो पहला होगा कि इंसुलिन कब तक कहाँ स्टोर करना है, कैसे भरना है इसको, और कैसे इसको इंजेक्ट करना है। वो बोला था मैंने कि आखिर इसको हवा भरना इससे जरूरी होता है, और आप इसको वापस कर देता हूँ इसमें, अगर आप मान लो इसमें हवा नहीं भरते हो इंजेक्शन भरते समय, और बार बार इसमें मान लो सपोज आपने रोज 20 मिनट लगाते गए, तो क्या होगा कि इसके अंदर इंसुलिन बाहर आ गया सपोज 3 दिन 60 मिनट, तो अंदर क्या होगा कि निगेटिव प्रेशर बढ़ जाएगा, तो खींचने में दिक्कत आएगी, अगर आपने जितना यूनिट इंसुलिन लगाया उतना इंसुलिन भर दिया पहले ही, तो आराम से इंसुलिन बाहर आ जाता है, तो इसलिए जैसे इंसुलिन खींचने से पहले हवा भरना चाहिए उतना। तो पहला होगा कि आपने कैसे मिक्सिंग इंसुलिन भरना, फिर इंजेक्ट टेक्निक बताया मैंने आपको, फिर इंसुलिन का ध्यान रखो, जब अधिकांश इंसुलिन जो होती हैं उनका टाइमिंग होता है, माने नाश्ते से आधे दिन पहले या लंच से आधे दिन पहले या डिनर से आधे दिन पहले लगाया जाता है, तो हमने डॉक्टर पूछे कि हमारा इंसुलिन कब लगाऊँ, और इंसुलिन लगाने के बाद कुछ प्रिकॉशन होते हैं, तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू इंजेक्ट इंसुलिन, को डिटेल पढ़िए, उससे आपको और नॉलेज मिलेगी, आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिले कैसे इंसुलिन भरते हैं कैसे लगाते हैं, बाकी डिटेल के लिए मेरा अदर वीडियो सुनिए आप, धन्यवाद।